आज हम निकालेंगे या फिर बात करेंगे कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है। जो सर्कल है, ठीक है, कर्वेचर से बनने वाला जो सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल की हमको कॉर्ड निकालनी पड़ जाए या फिर कॉर्ड निकालनी हो, और वो कॉर्ड मान लीजिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। जो पैरेलल टू एक्सिस होती हैं, जो सिंपली आपको पता चल रहा है पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है, जो कॉर्ड हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या फिर बोथ एक्सिस के पैरेलल होती है, उनको हम कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द एक्सिस बोलते हैं। लेकिन उनको हम निकाले कैसे, ठीक है। अब हम उनको निकालने की बात करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमको कॉर्ड निकालनी पड़े पीए, ठीक है, हम कॉर्ड निकालते हैं पीए, कॉर्ड पीए हमको निकालनी पड़े, तो कॉर्ड पीए को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एंगल साई है, ठीक है, अगर ये एंगल साई है तो हमारा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक साई हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, तो एंगल ये बराबर इसके हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला तो रेडियस है, ये वाला, ठीक है, ये वाला रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, सेंटर पे, सॉरी सर्कल पे, जो सर्कल पे जो रेडियस होता है यहां पे, सॉरी टेंजेंट पे, सर्कल के टेंजेंट पे जो रेडियस होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वाला रेडियस इस टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिए यहां से और यहां तक ये वाला एंगल क्या है हमारा, 90 डिग्री, और यहां से और यहां तक ये वाला एंगल क्या है हमारा, साई। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस साई, ठीक है। दोबारा से देखिए एक बार, ये वाला एंगल यहां से और यहां तक कितना हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में बनने वाला एंगल क्या है हमारा, ये वाला एंगल यहां से यहां तक साई, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। इसी तरह से जब आप निकालोगे ये वाला एंगल भी साई हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल टोटल क्या है, 90, ठीक है। तो अब जब आप जमा घटा या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी आप करोगे, तो यह वाला एंगल आपका साई निकल कर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, हमको ये कॉर्ड निकालनी है, ये वाली, ये कॉर्ड, ठीक है, ये कॉर्ड क्या है हमारा, पीए, ठीक है। अब इस पीए के लिए हम इस एंगल को ले लेते हैं 90 माइनस साई को, ठीक है। तो अगर हम इस एंगल 90 माइनस साई को ले, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और ये क्या है, बेस, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, ये, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या है हमारा, यहां से और यहां तक टोटल क्या है, ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से और यहां तक क्या हो गया, रो, और यहां से और यहां तक भी क्या हो गया, रो, ये हो गया यहां से और यहां तक, यहां से और यहां तक रो, और यहां से और यहां तक फिर क्या है, रो। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 2 रो, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये वाला निकालना है बेस, ठीक है। मुझे पता है कॉस 90 माइनस साई, ठीक है, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है हमारा, एपी, डिवाइड बाय हाइपोटेनस इज 2 रो। आप चाहे तो इस वाले से भी निकाल सकते हैं, इस वाले से तो मैं निकाल रहा हूं, आपकी मर्जी, आप किसी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो एपी कॉस 90 माइनस साई इज
is equal to sorry multiply by 2 rho. ठीक है, cos 90 minus psi क्या हो गया हमारा sin psi. ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा जो कॉर्ड है नीचे वाली ये हो गई 2 rho sin psi. ठीक है, अब sin psi को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, और ढंग से निकालने के लिए AB is equal to 2 rho. rho हमको पता है 1 plus y1 square raised to the power 3 by 2 divided by y2 या फिर second derivative. ठीक है, sin psi, sin को मैं क्या लिख सकता हूं 1 divided by cos x psi. अब इस cos x psi को हम सॉल्व करेंगे, हमको पता है कि 1 plus cos square a is equal to cos x square a. ठीक है, तो cos x a आ जाएगा हमारा square root of 1 plus cot square a. ठीक है, so cos x का so cos x psi can be written as 1 plus cot square psi. तो ये हो गया हमारा square root of 1 plus cot square psi. ठीक है, हमको पता है tan psi is equal to dy by dx होता है. ठीक है ना, ये क्या है, स्लोप है उस वन लाइन का, तो tan psi is equal to dy by dx जो कि हमारा किसके बराबर है, y1 के. अगर हम इसका cot psi कर दें तो ये हो जाएगा dx divided by dy जो कि 1 divided by y1, इसको हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो cot psi को मैं क्या लिख सकता हूं 1 divided by y1, तो ये हो गया हमारा 1 divided by y1, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर. ठीक है, इसके बाद AP is equal to 2 rho. rho क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो बराबर है 1 plus y1 square raised to the power 3 by 2 divided by y2. y2 क्या है, second derivative of y, और ये क्या है हमारा 1 divided by y1 square multiply by this, so it is y1 square plus 1 plus 1. ठीक है, and divide by y1 square. ठीक है, तो इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं ना, ये स्क्वायर रूट इसके लिए और ये स्क्वायर रूट इसके लिए, इस वाले स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास, ओनली y1. ठीक है, तो और यहां पर क्या है मेरे पास, इस y1 को ऊपर कर देता हूं, ये हो गया y1. ठीक है, ये 1 plus y1 square और ये 1 plus y1 square raised to the power 3 by 2, इसका मतलब क्या है, square root का इसकी power 1 by 2 और इसकी power 1 plus 1 by 2. ठीक है, तो एक 1 plus 1 by 2 से 1 तो रह जाएगा, इसकी power 1 तो रह जाएगी, और square root वाला जो ये 1 plus y1 square raised to the power 1 by 2 से 1 plus y1 raised to the power 1 by 2 cancel हो जाएगा. ठीक है, तो यहां पर क्या रह गया हमारे पास, only 1. तो AP is equal to y1 2 y1 divided by y2 1 plus y1 square raised to the power 1 only. ठीक है, तो ये तो थी हमारी chord parallel to x axis. ठीक है, इसी तरह से जब आप chord parallel to y axis निकालोगे तो वो होगा PB, जो निकल कर आएगा आपका 2 1 plus y1 square divided by y2. सेम आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, बस आपको स्लोप पे आना है tan psi = dy/dx जो कि y1 के
बराबर है, ठीक है। फिर आप निकाल दोगे जो कॉर्ड पैरेलल टू वाई एक्सेस आएगी और कॉर्ड पैरेलल टू एक्स एक्सेस जो हम निकाल चुके हैं, ये आप करके देखना तो ये आपका निकल कर आएगा। अगर आपको ये निकालने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में जाकर बता दीजिए कि आपको आप नहीं निकाल पाए हो, तो हम इसको भी निकाल देंगे। धन्यवाद।